न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। राजस्थान की अब किस्मत बदलने वाली है। जी हां, राजस्थान में पोटाश के व्यवहारिक अध्ययन को लेकर ऐतिहासिक द्विपक्षीय करार दिया गया है। अगर राजस्थान इसमें कामयाब रहा तो दुनिया पोटाश को लेकर भारत की ओर देखेगी। देश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में गुरुवार को ये करार किया गया। बता दें इसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अनुजर्मा मेघवाल भी वीसी के लिए जुड़े थे। राजस्थान में पोटाश का अतः भंडार है। नागौर गंगनार बेसिन के करीब 50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पोटाश का भंडार दबा पड़ा है। जेसीआई के सर्वे के मुताबिक प्रदेश के करीब 2,562 मिलियन टन पोटाश की मौजूदगी बताई गई है। इसके साथ ही 21,100 मिलियन टन अन्य रिसोर्सेज भी है। बता दें राजस्थान में सबसे बड़े और सबसे दबे पेड़ की भंडार कीमत आज के हिसाब से 1,00,000 करोड़ की बताई गई है। अभी भारत के हर साल दूसरे देशों से करीब 10 से 15 हजार करोड़ की कीमत का पोटाश आया करता था। बता दें कि खास बात यह है कि सॉल्यूशन माइनिंग तकनीक से प्रदेश में पोटाश का दहन होगा, जो पहली बार राजस्थान में उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पहले राजस्थान में अकाल सूखे पड़ते थे, लेकिन अब राजस्थान की पहचान बदल दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेसीआई की यह खोज अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है जो पूरे दुनिया में डंका बजा रही है। इसके साथ ही एमआईएल की विशेषज्ञता का लाभ भी प्रदेश को मिलेगा। उन्होंने कहा कि देश में केवल राजस्थान में ही पोटाश की संभावनाएं छिपी है। यदि इसे टारगेट बनाकर काम किया जाए तो सपना जरूर पूरा होगा। सीएम गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि आने वाले वक्त में राजस्थान देश में सिरमौर होगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी राज्य सरकार के लिए इस कार्य में प्रोएक्टिवली सहयोग के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। जोशी ने कहा कि पोटाश दोहन में बेहद संभावनाएं छुपी हैं। फर्टिलाइजर के साथ ही केमिकल और ग्लास इंडस्ट्री में इसका उपयोग होता है। इससे राज्य सरकार को न केवल बड़ी मात्रा में राजस्व मिल सकता है, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार भी विकसित हो सकती है। उन्होंने राज्य सरकार को हर तरह का टेक्निकल सपोर्ट उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया। वही मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि पोटाश के दोहन से राजस्थान फर्टिलाइजर केमिकल और एक्सक्लूसिव आधारित इंडस्ट्री का भी हब बन सकता है। प्रदेश के खान मंत्री प्रमोद जैन भाया भी वीसी के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े। भाया ने कहा कि जेसीआई ने 3-4 दशक पहले प्रदेश में पोटाश का पहली बार पता लगाया था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में काफी लंबा वक्त लग गया। उन्होंने प्रदेश के प्रोजेक्ट्स को भी जल्दी मंजूरी देने का केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया है। इस पर प्रहलाद जोशी ने कहा कि राजस्थान का कोई प्रोजेक्ट उनके मंत्रालय में पेंडिंग नहीं है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने उम्मीद जताई कि सहयोग का माहौल जो बना हुआ है वैसा ही आगे भी बना रहेगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।